सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि OB35 अपडेट आने के बाद सबसे बेस्ट ब्लू स्टैक वर्जन कौन सा है, और जिस ना कि लैग होता है और वो लो एंड डिवाइस के लिए भी बहुत बढ़िया है, जिसमें मतलब एकदम जीरो रिक्वायर भी होता है। सो ये सब सेटिंग हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो अगर यदि आपको भी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है OB35 अपडेट आने के बाद, सो गाइस आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप ब्लू स्टैक का बेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मेरे ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि ब्लू स्टैक बेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम पे और सर्च करना है ब्लू स्टैक ट्विकर। एंड गाइस, ये सबसे पहला ऑफिशियल साइट है, इस पे जाना है एंड नीचे वाला ओपन पे क्लिक करना है, देन फिर से नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करना है। सो सबसे पहले वाला ये लिंक आ जा रहा है, 64-bit ब्लू स्टैक 4.280.1.1002, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे पास पहले से डाउनलोड है, सो हम डाउनलोड नहीं कर रहे। 64-bit डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना, उसके बाद हम बताते हैं कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो, मतलब उसके अंदर क्या क्या सेटअप करना है ताकि आपका लैग ना हो और लो एंड डिवाइस में भी बढ़िया से चले। सो गाइस, MSI का एक वर्जन है जिसमें एकदम लो एंड डिवाइस के लिए बनाया है, बहुत ही मस्त है। ये वर्जन का नाम है 4.2840.56305, ये वर्जन है जिसमें मतलब एकदम लो एंड डिवाइस के लिए इसमें बेस्ट है। सो अगर यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। सो मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो ज्वाइन कर लेना एंड इसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइस, ब्लू स्टैक को डाउनलोड करने के बाद ब्लू स्टैक को ओपन कर लेना है एंड आपको हम दिखा देते हैं ये सेटिंग आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको ये CPU वगैरह कोर वगैरह फुल कर लेना, जैसा मेरा है, मेरे जो देख के एकदम सेम प्रोसेस कर लेना है और देख सकते हो मेरा आप। सो ये देख लेना, ये हम 1920x1080 नहीं करते क्योंकि मेरे को नहीं, थोड़ा ठीक नहीं लगता। अगर यदि आपको करना है तो कर सकते हो 1920x1080 और ये देख लेना। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, देख सकते हो। अगर यदि कुछ होगा तो फिर कर लो एंड देख सकते हो इसमें कुछ नहीं और बाकी बात कुछ नहीं। एंड उसके बाद फिर आपको गेम में आ जाना है। सो गाइस, गेम में आने के बाद आपको हम दिखा देते हैं कि मेरा एक्स एंड वाई क्या कितना है। सो देख सकते हो मेरा एक्स है 1.10 और वाई है मेरा 1.50। सो आप देख सकते हो अपना, मैं ट्राई कर सकते हो ये एक्स एंड वाई, और मेरा ट्विक्स वगैरह नॉर्मल है, सो सब नॉर्मल है। बाकी बात ये एक्स एंड वाई ट्राई कर सकते हो। और गाइस देख सकते हो, अगर यदि तुम आपको ये प्रॉब्लम आता हो कि मतलब कि कंट्रोल मेरा ये थोड़ा सा मतलब बोले ना कंफर्टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड पे नहीं है, तो यहाँ पे ये अपडेट कंट्रोल है ना, इस पे क्लिक कर दो तो कि अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कंट्रोल सेम पहले मतलब अभी पहले जैसा हो जाएगा, ये कर लेना एंड आपको हम दिखा देते हैं गेम। और गाइस उसके बाद ये करने के बाद आपको रॉ एक्सेल में, अगर यदि रॉ एक्सेल आपके पास है तो फिर बढ़िया है, तो रॉ एक्सेल में ये कर लो। अगर यदि नहीं है तो हमको कमेंट में बताना ताकि हम आपका रॉ एक्सेल का मतलब नेक्स्ट वीडियो रॉ एक्सेल पे लेके आए। आप बता सकते हो मतलब अगर यदि आप रॉ एक्सेल का सेटिंग नहीं किए हो तो हम आपको बता सकते हैं इजी वे में कि आप रॉ एक्सेल का सेटिंग कैसे कर सकते हो। अगर यदि किए हो तो फिर ये मतलब डाल सकते हो सेंसी मल्टीपल वगैरह देख के एकदम से कॉपी करके आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और हम आपको दिखा देते हैं गेम में जाके, ट्रेनिंग में जाके, कि कैसा मेरा गेम चलता है। और गाइस ब्लू स्टैक सबसे बेस्ट वर्जन है, इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर भी खेलते हैं। सो गाइस देख सकते हो मतलब एकदम लैग नहीं है और हेडशॉट भी बढ़िया काम कर रहा है, देख सकते हो एकदम जीरो रिक्वायर है, मतलब आप देख सकते हो एकदम नो लैग, मतलब लैग नहीं है और देखो एकदम मतलब बोले ना नो रिक्वायर है। और उसके किसके वजह से नो रिक्वायर है, वो रॉ एक्सेल के वजह से। आप देख सकते हो रॉ एक्सेल का सेटिंग यदि किए हो तो बढ़िया है, तो मेरा वाला वो देख के आप कॉपी कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो वो वाला कॉपी करके। सो देख सकते हो आपको हेड लग रहा है एकदम फुल बढ़िया तरीके से। देख सकते हो यही प्रोसेस था। और MSI का भी जो वर्जन बताए, अगर यदि आपको डाउनलोड करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है एंड ज्वाइन करने के बाद आपको मैसेज करना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वो मतलब MSI का लिंक दे देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड कर सको, और वो भी बढ़िया है। अगर यदि आपका लो एंड डिवाइस है तो उस पर आप ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया चलता है। सो गाइस ये एकदम सिंपल सेटिंग है,
और ना कि हम इसमें मतलब ट्वीक्स बढ़ाए हैं ना मतलब डीपीआई मेरा आपको दिखा दिया 320 है। आपको दिखा देते हैं मेरा माउस डीपीआई क्या है। मेरा माउस डीपीआई है 1600। सो आप अपने हिसाब से अपना डीपीआई सेट कर सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से मेरे को 1600 बढ़िया लगता है। अगर यदि आपको जो जमता है मतलब आपको 800 भी, जैसे बहुत कोई को लगता है कि मेरे को 800 मेरा डीपीआई बढ़िया लगता है और कोई कोई को 1200 और 1600, मेरे को 1600 बढ़िया लगता है। आप एक बार 1600 यूज करके देखना, फिर अगर यदि नहीं लगे ठीक तो फिर कम कर सकते हो। सो और मेरा माउस है G402 लॉजिटेक का। हम ना कि इसमें ये कुछ भी है, मतलब ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, नॉर्मल है। सिर्फ आप रॉ एक्सल का सेटिंग कर लो, आपका रिक्वायल बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपको रिक्वायल एक जरा नहीं होगा, उतना रिक्वायल नहीं होगा जितना आप अभी होता होगा नॉर्मल पे। और गाइज मेरा आप गेम प्ले देख सकते हो, हम ब्लू स्टेक 4 पे ही खेलते हैं। एनी टाइम हम मतलब दूसरा चैनल पे हम लाइव करते हैं डेली, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके हम उसी पे खेलते हैं। एकदम नो उतना लैग, एकदम लैग नहीं होता और बहुत बढ़िया चलता है ये वर्जन। सो गाइस अगर यदि आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे को आप डिस्कॉर्ड पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। और अगर यदि कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे को डिस्कॉर्ड पे आके मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई आप कुछ रिप्लाई जरूर देंगे। एंड बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे लाएं, और रॉ एक्सेल के बारे में आपको जानना है तो बताना मेरे को, तो अगर उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। सो अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करने मत भूलना एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।